हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा और आप सभी के लिए फिर सम कोर्स लेकर आई हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है अचानक से कहीं से भी मोड़ ले सकती है। तो दोस्तों, जो जिंदगी है हमारी वो एक जैसी नहीं रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करके हम अपने जीवन को, जो हमारे जीवन में हताश है, निराशा है, उसे हम उभर सकते हैं और समय के साथ चल करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है और आप सभी जानते भी हैं इस बात को, और ग्रेट फिलोसफर जो अरस्तु हैं उन्होंने भी कहा है कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। अगर हम प्रकृति के परिवर्तन के विरुद्ध जाते हैं तो वो हमें दुख पहुंचाता है, क्योंकि जो अच्छे दिन है वो अगर स्थिर नहीं रहते हैं ज्यादा दिन तक, तो जो बुरे दिन है वो भी स्थिर नहीं रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो वो अपने जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होता है। उसका कर्मशील जीवन सामने मजबूत बन करके बाहर निकलता है। और दोस्तों, हम मतलब कि हम समय की ऐसी रेलगाड़ी के साथ चल रहे होते हैं जहाँ पर रुकने का मतलब होता है कि हम बिछड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो जिंदगी का सफर है उसका वास्तविक आनंद हम तभी उठा सकते हैं जब हम समय के साथ चलें और समय के साथ साथ उसके अनुकूल जो नवीकरणता है उससे हम अपनाएं, तभी हम जीवन के सफर का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो परिवर्तन है वो शाश्वत है। समय के साथ किसी भी विचार, भाषा या व्यक्ति में परिवर्तन होता ही रहता है, भिन्नता आती ही है। मौसम बदलते हैं, मनुष्य की परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि अगर यदि हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो है बदलाव और परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, हमें इसका संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो, कुछ भी बुरा ना हो, तो जो अच्छा है ना वो भी एक दिन बुरा लगने लगेगा, क्योंकि हम जो अच्छा है उससे हम ऊब जाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुख के बाद दुख आता है तभी हम उसका अनुभव कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रकार से, जैसे कि हम अगर मीठा खाते हैं अपने घर में या कहीं भी, अगर हम मीठा खा रहे हैं तो सिर्फ हम मीठे का ही अनुभव कर पाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आता है कि हम लोग उससे भी ऊब जाते हैं और लगता है कि अब मैं क्या करूं, या कुछ मन में अजब सी होने लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। उस तरीके से जिंदगी अगर हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे और हम अच्छे से भी ऊब जाएंगे। इस तरीके से, जैसे कि हम अगर नमकीन खाने के बाद अगर हम मीठा खाते हैं तो उसका हम अच्छा अनुभव कर पाते हैं, उस तरीके से जिंदगी है हमारी। अगर हम अगर मतलब बुरा है हमारे जीवन में कुछ भी, तो बुरे का मतलब जैसे परिस्थिति थोड़ी डाउन हो रही है, जैसे कोई कुछ सोचता है, कोई किस परिस्थिति से घिरा हुआ है, उस परिस्थिति से घिरने के बाद अगर बाहर निकलता है तो उसे अच्छा फील आता है, अच्छा सुकून मिलता है। उस तरीके से लाइफ है दोस्तों। अगर हम दुख के बाद सुख देखते हैं, हमारी लाइफ में आता है, तो हम अच्छा अनुभव कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन है उसे स्वीकारें और जिंदगी का पूरा आनंद लें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।